आप भी गर्मियों के समय में एलोवेरा के पौधे के बार बार सूख जाने से परेशान हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपकी सभी समस्याओं का हल बताने वाले हैं, जिसमें हमारा साथ देंगे फारूक जी। ये फारूक नर्सरी के मालिक हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए फारूक जी कि एलोवेरा का पौधा उगाने के लिए हमें क्या किसी खास तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए? नॉर्मल सी मिट्टी होनी चाहिए और गर्मी के समय में छाया में रखनी चाहिए, धूप में नहीं रखनी चाहिए। नॉर्मल सी मिट्टी में खाद मिला के और लगा के छाया में रखनी गर्मियों के समय में। गर्मियों के समय में। और कितना पानी देना चाहिए और कब देना चाहिए? पानी 24 घंटे में 1 घंटे देना चाहिए, शाम को 5। सर्दियों के समय में क्या इनको विशेष रख रखाव की जरूरत होती है? नहीं, कुछ भी नहीं। सर्दियों के समय में आप कहीं भी रख सकते हैं, चाहे अंदर रखो या बाहर रखो, कहीं भी रखो, सिर्फ गर्मियों के समय में छाया में रखो। आपने इसमें खाद मिलाने की बात कही, तो किस तरह की खाद मिलानी चाहिए? ये आती है कंपोस्ट खाद, वो मिलाई जाती है, और कोई डीएपी वगैरह नहीं मिलाई जाती है। एक जैविक खाद आती है, वो मिलाई जाती है। मिट्टी में मिला के आप लगा दो और लगा के पानी डाल के छाया में रखो। ये देखिए दोस्तों, ये सभी पौधे कई महीनों से यहाँ पर लगे हुए हैं और गर्मियों में भी ये इतना हरा है, एक भी पत्ते इनके सूखे नहीं हैं, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।